नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कटलेट। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आलू कटलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 से 7 आलू उबले हुए, उनको छील लिया है। 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ओट्स 2 चम्मच, बेसन 3 चम्मच, सूजी 1.5 चम्मच, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हमने ब्रेड को मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। 6 स्लाइस हैं ब्रेड के हमारे, उसको हमने ब्रेड का चूरा बना लिया है। ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम आलू को बिल्कुल मैश कर लेंगे कद्दूकस से। हमने आलू को कद्दूकस से देखिए बिल्कुल मैश कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें हम प्याज, शिमला मिर्च, ओट्स, हरा धनिया, सूजी, बेसन और डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का चूरा, हरी मिर्च, डालेंगे इसमें हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी। अब इन सबको हम मैश करेंगे। हमने सब कुछ मैश कर लिया है आलू में। और हमने लिए सूजी और हम हाथ में तेल लगाएंगे और इसके हम बॉल बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी बना लीजिएगा। देखिए हम इतनी बड़ी बॉल बनाएंगे। अब इसको हम ऐसे सूजी में लपेट देंगे। इस तरह से, इसी प्रकार से हम सारी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इतने बना लिए। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हमने गैस को मीडियम कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे इसको। हम मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। अब इसको हम पलट देंगे। इसको हम दोनों तरफ हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे। देखिए फ्राई हो चुके हैं हमारे, इनको हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। देखिए तैयार है हमारे आलू कटलेट। देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, हेल्दी भी हैं। इसको आप हरे धनिये की चटनी या केचप किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं।